अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए और एक न्यू सा रेसिपी लेके आई हूँ, और इस बार मैं बनाई हूँ आप लोगों के लिए मटर पनीर। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप बनाई हूँ, और मैं मेरे तरीके से कैसा बनाती हूँ वही मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह की रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पनीर की रेसिपी का कलर देख सकते हो आप लोग, कितना खूबसूरत और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो पहले जो है इसका ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए मैं 4 चम्मच यहाँ पर तेल ले ली हूँ। उस पर जो है अब हमको डाल देना है प्याज। यहाँ पर मैं थोड़ा मीडियम साइज़ का प्याज है तो 6 से 7 मैंने ले लिया है। मैं जो है यहाँ पर 200 ग्राम पनीर का हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों का पनीर का क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करिए। प्याज को थोड़ा सा 10 सेकंड फ्राई करने के बाद उसके अंदर डाल देना है हमको मीडियम साइज़ का 5 टमाटर, 4 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च। तो सभी चीज़ों को जो है एक ही साथ हमको भून के अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जो है लगातार मतलब चलाते हुए इन सभी चीज़ों को एक साथ फ्राई करें। और ये पनीर जो है मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, मटर पनीर का रेसिपी आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा है आप लोगों को ये वाला मेरी रेसिपी। तो यहाँ पर मेरा 2 मिनट भूनने के बाद अभी जो है ड्राई मसाला मैं ऐड करती हूँ। नमक 1 चम्मच डाली हूँ मैं, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा का पाउडर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और उसके साथ डाल देना है हमको लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची जो है आप लोग अपने तीखा के अनुसार इसमें ऐड करिए। मैं यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल करी हूँ। ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कलर और तीखा जो है एक समान इसमें है। तो अभी जो है ड्राई मसाला डाल के सब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और मैं मीडियम फ्लेम करके गैस को आप लोगों को इसको जो है भून लेना है। तो इसी तरह से जो है मैं 30 से 40 सेकंड तक इसको भून लिया है। और अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऐड कर देना है पानी। यहाँ पर मैं 1/2 कप 50 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। इससे जो है टोमेटो ओनियन सब अच्छी तरह से जो है मसाला हमारा सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद अब जो है इसको ढक देना है, और ढक के करीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। 7 मिनट हमारा हो चुका है, और जो है अब मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं टोमेटो जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, और मसाले से तेल भी जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको जो है गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और ठंडा करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है मैं एक पैन पे करीबन 4 चम्मच के करीब तेल ऐड कर दी हूँ, और उसी के साथ मैं 25 ग्राम यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डालें, वरना इसको टोटली स्किप करें। तो यहाँ पर मैं गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के अभी जो है 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। तो इस वाले मटर पनीर की रेसिपी में जो है जीरा का बघार बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है जीरा का इस्तेमाल ज़रूर करें। जीरा से थोड़ा सा फ्लेवर जो है निकल जाने के बाद तुरंत जो मसाला हमने पीस के रखा था उस मसाले को इसके अंदर ऐड कर देना है। तो मसाला ठंडा होने के बाद मैं अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथली इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप लोग जो है इसको छानना चाहते हैं, स्ट्रेन करके डालना चाहते हैं तो डालें, इससे जो है ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार होता है। तो ये पर मैं मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, और पूरा जो है मसाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। पैन जो है मेरा थोड़ा सा जो है छोटा मेरे को लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। तो फिलहाल इसमें जो है हम बाकी चीज़ जो है ऐड कर देते हैं, जैसे कि मटर। मटर हमने 500 ग्राम ले लिया है, और 500 ग्राम मटर को छील के इतना हमारा दाना निकला है, तो वो जो है उसका बीज मैं पूरा डाल रही हूँ। और मटर जो है मैं कच्चा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी जो है मटर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहता है मार्केट में ठंडियों में, तो आप लोग इस मटर पनीर की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए।
मटर को डाल के अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और मटर से जो है इसको थोड़ी देर तक पकाना है। तो उससे पहले जो है मैं कढ़ाई में मसाला तैयार करके रखा था, उसी कढ़ाई में जो है पूरा इस ग्रेवी को मैं ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें जो है थोड़ा सा पानी था तो उसी के अंदर मैं इसको ऐड कर दी हूँ, और ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा थिक है हमारा, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करना इसमें ज़रूरी था। तो अभी जो है बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ, और जो है आधी कटोरी में पानी इसमें ऐड करती हूँ, और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, उसी तरह से करूँगी। तो ग्रेवी आप लोग जितना खाना चाहते हैं वो हिसाब से आप लोग इसको जो है पानी का ऐड करें। इस वक्त जो है आप लोग इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ 200 ग्राम, और इसको जो है इस तरह का क्यूब्स में कट कर ली हूँ, और पनीर को जो है मैंने फ्राई बिल्कुल नहीं किया है, इसी तरह से मैं डाल रही हूँ। इससे जो है ये वाला रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो पनीर को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और मिक्स करके जो है अभी हमको इसको ढक के इसी तरह छोड़ देना है। करीबन 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकाना है, ताकि मटर जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। तो 15 मिनट जो है हमारा हो चुका है, देख सकते हैं, और मटर जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं ऊपर से तेल भी जो है हमारा आना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं मसाला जो है ग्रेवी हमारे को इतना ही चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें पानी का ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको और थोड़ी देर तक पकाऊँगी। बाकी का चीज़ जो है इसके अंदर डाल देना है वो सब मैं डाल देती हूँ। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मलाई। ये मेरा जो है घर का मलाई है, उसको मैं अच्छी तरह से फेंट लिया है, और फेंट के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप लोग जो है अमूल का क्रीम भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच में गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर दे, और मिक्स करके जो है इसको ढक के फिर से रख देना है करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमारा हो चुका है, और हमारा जो है मटर पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं एंड में इसमें हरा धनिया थोड़ा डाल रही हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा होता है। तो पूरा मैंने हरा धनिया इसमें डाल दी हूँ, और जो है अभी इसको मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करके जो है मैं गैस की फ्लेम को अभी ऑफ़ कर दूँगी, और इसको जो है फटाफट मैं सर्व कर लूँगी। देख सकते हैं पनीर जो है हमारा कितना अच्छा से सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये वाला रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आने वाले इसी तरह की रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़ ऑल फ्रेंड, मिलेंगे इसी तरह के अलग अलग और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।